हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में आपको नेट के कपड़े पर बुनने की कटिंग बताऊंगी। तो एक नेट का है और ये साटन का कपड़ा है और एक अस्तर का है और इसी का बैक पार्ट ये है। इसे जाके आप ज़रूर देखें, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ लंबाई है 14 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए तो 15 इंच है। और यहाँ शोल्डर्स हम लगाएंगे 7 इंच पर, आर्म होल का निशान भी 7 इंच पे लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। चेस्ट है 38 इंच, तो 38 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो कमर है 30 इंच, तो 30 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा डॉट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे, इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और आर्म होल का शेप देने के लिए 1 इंच का निशान लगा के राउंड शेप दे देंगे और यहाँ 1/2 इंच राउंड कर देंगे नीचे की तरफ। और यहाँ हमारे गले की चौड़ाई होगी 4 इंच और इसकी लंबाई होगी 3 इंच, क्योंकि ये बोट नेक है तो 3 इंच हम रखेंगे। दोनों तरफ से बॉक्स बना लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। और हम टस का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे और यहाँ नीचे से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे डॉट के लिए, जो प्रिंसेस कट होगा। और यहाँ से 2 इंच का निशान एक लगा देंगे और फिर टक्स के निशान को 3.5 इंच पर लगा के अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से 2 इंच का निशान एक लगाएंगे और इसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस निशान से मिला देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट है और इसे आर्म होल के पास ले जाके राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसी का बैक पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसे ज़रूर जाके देखें। तो यहाँ एक और निशान लगाना था, तो यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगा देंगे, क्योंकि ये नेट का बोट नेक है तो ऊपर का हिस्सा नेट का होगा और नीचे का जो हिस्सा होगा वो साटन के कपड़े का और अस्तर के कपड़े का होगा। यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को उस निशान तक हल्का सा ऊपर में ऊपर की तरफ से देते हुए राउंड कर लेंगे। और ये जो हिस्सा होगा वो हमारा नेट का होगा और जो नीचे का हिस्सा होगा वो अस्तर और साटन के कपड़े का होगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम सबसे पहले नेट के कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए, रख के पूरा कटिंग कर लेना है नेट के कपड़े को। तो यहाँ हमारी कटिंग हो गई है नेट के कपड़े पर। क्योंकि ये पूरा हिस्सा नेट रहेगा तो इसलिए सबसे पहले नेट पर कटिंग करेंगे। उससे पहले जो जो अस्तर पे ये निशान लगा था, ये देखिए जो निशान ये लगा था, इसे हम कट कर लेंगे अब, क्योंकि ऊपर का हिस्सा अस्तर के कपड़े का नहीं रहेगा, केवल नेट का रहेगा। तो नेट हम पहले से काट लिए हैं, तो अब हम साटन के कपड़े पे भी कटिंग कर लेंगे अस्तर के कपड़े को रख के। तो ये देखिए, सीधे से रख के कटिंग कर लेना है दो फोल्ड करके, दो दो फोल्ड सभी कपड़े को रख के कटिंग करना है। तो ये देखिए, नेट का जो गला बनाने के लिए जो हम अस्तर पे कटिंग किए थे उसे ही राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गला गले की पट्टी तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, ये नेट है और ये साटन का है और ये अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर की स्टिचिंग करेंगे। तो नेट को पहले रख देंगे
और साटन के कपड़े को भी अलग से रख देंगे। और अब हम अस्तर के कपड़े पर स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ज्वाइंट करेंगे अस्तर के कपड़े को, जैसे प्रिंसेस कट हम लोग काटे थे उसी के अनुसार। तो दोनों तरफ से मैच करते हुए नीचे के तरफ से ही स्टिच करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा कम या ज़्यादा होता है तो आर्म होल में हम उसकी कटिंग करके बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ही हल्के हाथों से सिलाई करते जाना है और अच्छे से मैनेज करते जाना है। तो ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगता है, आप इसे सूट में भी बनवा सकते हैं। और इसे दो सिलाई ज़रूर लगानी है। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसी तरह से इधर के भी साइड को भी सिलाई लगा देंगे, जैसे ये है सेम उसी तरह से भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने ये भी सिलाई कर लिया है सेम उसी तरह। अब हम यहाँ ब्लाउज पैड लगाएंगे। अगर आप ब्लाउज पैड नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ब्लाउज पैड लगा रही हूँ। तो सबसे पहले बीच में इसे एक मार्क लगा लेंगे ब्लाउज पैड को, और उस मार्क को अस्तर के मार्क से मिला के जो हम टक्स का निशान लगाए थे उसी पर बीचों बीच में पैड रख के स्टिच दो तीन बार लगा देना है बीच में। फिर उसे ऐसे फोल्ड करके नीचे की तरफ दोनों चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। अगर आपको और अच्छे से ब्लाउज पैड लगाना नहीं आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसे अलग से एक वीडियो बना के डिटेल में आप लोग को बताऊंगी। और सेम उसी तरह ये भी पैड लगा देंगे। तो ये देखिए, दोनों पैड मेरा लग गया है। अब हम साटन के कपड़े पे सिलाई करेंगे। तो अस्तर के कपड़े पे सिलाई हो गई है, तो ये सेम उसी तरह ऐसे ही ज्वाइंट करना है साटन के कपड़े पे भी। इसे शाइनिंग वाला कपड़ा भी बोलते हैं। तो ये देखिए, तो सेम उसी तरह इसे भी ज्वाइंट कर लेंगे दोनों तरफ से, जो हमारा प्रिंसेस कट है। तो ये देखिए, पूरे अच्छे से इसे भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी ज्वाइंट हो गई है। अब इस साइड से भी कर लेंगे। तो दोनों तरफ से सिलाई हो गई है अच्छे से। अब हम जो ब्लाउज पैड लगाए थे और ये जो इससे पहले हम सीधा रख लेंगे, और इसे भी सीधा रख लेंगे साटन के कपड़े को भी, और रख के दोनों तरफ से अच्छे से इसे बराबर कर लेंगे और पिनअप कर लेंगे। अच्छे से इसे सेट कर लेना है। तो देखिए, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, और इसे होल्ड करके और यहाँ सिलाई लगा देंगे, जैसे आप देख रहे हैं उसी के अनुसार हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देना है। और यहाँ पर बीच में राउंड शेप रहेगा तो उसे थोड़ा हल्का सा मोड़ के स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए, अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने से ये आसानी से मुड़ जाता है नीचे की तरफ। अब हम इसे अच्छे से आपको कट करना है बीच में, और अब हम इसे सीधा कर लेंगे जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे सेट कर लिया है और प्रेस भी कर लिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर से ये हमारा ब्लाउज पैड मैनेज हो गया है। अब यहाँ हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से और मैनेज हो जाए। तो ये देखिए कितना सुंदर तैयार हो गया है हमारा अस्तर का। और अब हम इस पर नेट का जो कपड़ा है उससे स्टिच करके ऊपर से लगाएंगे। सेम उसी तरह ये भी ज्वाइंट कर लेना है नेट के कपड़े को भी दोनों तरफ से। तो ये देखिए, यहाँ से ज्वाइंट कर देना है दोनों तरफ से। सेम उसी तरह तीनों कपड़े में ही ज्वाइंट होगा, जैसे अस्तर में हुआ था सेम उसी तरह साटन में भी हुआ है, और सेम इसी तरह नेट के कपड़े में भी हुआ है। तो देखिए, नेट के कपड़े पे भी सिलाई हो गई है सेम उसी तरह। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, उसे जाके आप ज़रूर देखिए
मैंने बहुत सारे डिज़ाइन डाले हैं अपने चैनल पे, तो ये देखिए अब हम इसका गला बनाएंगे। जो मैंने पट्टी काटी थी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे। तो मेरे चैनल पर जाके मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, प्लीज़ जाके आप ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ हम कट लगा देंगे अच्छे से फोल्ड होने के लिए। ये देखिए अब ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि नीचे से आसानी से ये मोड़ जाए, और इसे नीचे की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। बहुत ही पतला पट्टी बना के इसे सिलाई लगा देना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखिए ये भी सिलाई हो गई है। तो ये देखिए अच्छे से एकदम पूरा हमारा सिलाई हो गया है। अब हम जो पहले से सिल के रखे थे उसके ऊपर नेट का ये कपड़ा रखना है और अच्छे से दोनों तरफ से मिला के मैनेज कर लेना है। जैसे मैंने कर लिया है, पिनअप कर लिया है, अब हम नेट के कपड़े को भी उस पर ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे कि जहां हम एक पहले से स्टिच लगाए थे उसी के ऊपर ही लगा देना है, तो ये उसी में ज्वाइंट हो जाएगा नेट का कपड़ा भी। और चारों तरफ से भी इसकी सिलाई लगा देनी है नेट के कपड़े को भी उसी में। तो ये देखिए चारों तरफ से सिलाई लग गया है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे काट लें। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लगता है ऐसे बनने पे। अब नीचे की पट्टी हम लगा देंगे कमर वाली पे। तो यहाँ मैं 1.5 इंच का अस्तर के कपड़े को कट किया था उसे ही ज्वाइन करके नीचे पट्टी लगा देंगे और अंदर की तरफ मोड़ के ये सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए तैयार हो गई है। और अब गले को बनाने के लिए मैं लैस का यूज करूँगी। तो यहाँ मैंने पतला वाला लैस लिया है और इसे गले पर पट्टी जो बनाई थी उसी पर लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी लैस लग गई है। आप चाहते हैं लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तब भी, अगर आप चाहते हैं एक और अच्छे से डिजाइन बना तो डबल लैस करके लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये देखिए हमारी स्टिच हो गई है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। ये मैंने इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप इसे ज़रूर जाकर देखिएगा। तो अब हम दोनों कंधे को ज्वाइन करके इसे तैयार कर लेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।